चाल मेरे संग में हो। क्यों बताऊंगा? बता। एरे द्रोपद चाल मेरे संग में वो अंधे का अंधा याद करे। हाँ। तो मेरी भी सुन ले, मैं सभा में जाने लायक ना मेरी बाबूजी श्री गिरिराज त्यागी जी, जी श्री गिरिराज त्यागी जी की तरफ से इस महाभारत की रागनी पर 500 रुपए दिए गए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत, बार बार धन्यवाद। और 200 रुपए आदरणीय बाबूजी सुदेश शर्मा जी, बाबूजी सुदेश शर्मा जी पहले भी हजारों रुपए से मान सम्मान किया और 200 रुपए फिर, बार बार धन्यवाद। माइक ले ले, माइक ले लो, क्या करवाएगा? और इधर अभी ये इधर हो गई, क्या करेगा तू? रंग भरवाऊंगा, रंग भरवा लियो, भरेंगी रंग। हाँ सतवीर का चेला हूँ। हाँ सुन ले। जब तेरे द्रौपदी शर्म नहीं, ठंडा कर ले, ठंडा कर ले मुंह जल जाता, खाना अच्छा घर में नहीं, ठंडा कर ले मुंह जल जाता, खाना अच्छा घर में नहीं। तेरी इन बातों से मेरा द्रौपदी, बड़े भाई आदरणीय पवन त्यागी जी 200 रुपए दे रहे हैं, ले ले ले, तू ले ले तू ना, आज तक पवन जी के तू ही ले ले, आज पवन जी के इसलिए आज तू ही ले ले, लेते रहो। वो एक बार पवन जी ऐसा हुआ, हाँ जी सुनो सुरेश जी, एक बार ऐसा हुआ, देखो हरियाणा का आदमी ठेठ होता है, ठेठ भाषा बोलता है। आदरणीय बड़े भाई बाबूजी श्री अशोक त्यागी जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हम दोनों कलाकारों की इस रागनी पर 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। अशोक त्यागी जी का तालियों से स्वागत करिएगा। ले अशोक जी ने अशोक जी ने भी 500 रुपए दे दिए, अब तो ले ले अशोक जी के, तू ही ले ले, इन्हें भी मैं ही ले लूं, आज तू ही ले ले। वो पंडित जी एक कोई रेहड़ी पे केले बेच रहा था, केले थी मूली थी, केले थे, केले बेच रहा था। एक बुड्ढा निकड़ के जा रहा था रोहतक का, वो रेडी वाले जो बोले ताऊ जी केले ले लो केले, 40 रुपए दर्जन दूंगा नून लगा लगा के। जी इसाली से बाबूजी मुकेश प्रधान जी 500 रुपए से हम दोनों का मान सम्मान करते हैं। मुकेश प्रधान जी ने भी 500 रुपए दे दिए। ले ले तू ही ले ले। सुनो भाई मैं इसका जवाब, हंसो मत, इसका जवाब दूंगा। रेहड़ी पे केला बेका एक छोरा, बुड्ढा निकल के जा रहा था, ने बोला ताऊ जी केले ले लो केले, 40 रुपए दर्जन दूंगा नून लगा लगा के। हरियाणा भी बुड्ढा था, हाजिर जवाब था, ने बोला रे सुने नून लगा लगा के और तू तेरे केले अपने ही दे ले, मन में जरूरत को ना तले, आज तक तू ही ले ले ना, आज तुझे ही लेने पड़ेंगे, आज तू ही ले ले, ले मोहन का तू ले ले, आज
ये जगह ठीक है। और देखिए आदरणीय चाचा जी सुशील त्यागी जी ले ले। सुशील त्यागी जी 500 रुपए दे रहे हैं लेकिन 540 आज चाचा सुशील त्यागी भी तुझे बचा नहीं सकता। तो तेरे लिए मुझे चाचा सुशील त्यागी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं अकेली काफी हूँ। ले चाचा सुशील के इनने तो ले ले, 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 ले। इनने भी मैं ही ले लूं, सब तू ले ले। ले केले ले लिए, तू ही ले लिए। जब तेरे द्रौपदी शर्म नहीं, ठंडा कर ले मुंह जल जागा, खाना अच्छा गर्म नहीं। तेरी इन बातों ते मेरा द्रौपदी हिया होवे नरम नहीं। तुम बहु बेटी ने बुरा बको हो, यो छतरी का गर्म नहीं। बहु बेटी ने बुरा बको हो, यो छतरी का गर्म नहीं। ये मन हलकारा मत जाने, मन हलकारा मत जाने, मन हलकारा मत जाने। और मत ज्यादा बकवाद करे, सिर पड़ जाऊंगी, सिर पड़ जाऊंगी, सिर पड़ जाऊंगी तेरे दुशासन। सभा में जाने से तेरी इज्जत बर्बाद होती है, होती है। इज्जत बर्बाद उसकी हो सकती है जिसके इज्जत हो। अच्छा, मतलब हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। और फिर आज तो तेरी इज्जत बर्बाद होती है। हाँ, तेरी उस दिन इज्जत बर्बाद नहीं हुई, पिता सरी के जेठ को बोली के तीर मारे थे। अब अंधे का अंधा कहके बोली थी तू, आंखों के होते हुए अगर तुम दिन में भी देख के पटक खा के गिर रहे हो तो और क्या बोलूं तुम्हें, अंधे के तो अंधे ही होते हैं। मैं तो अब भी कह रही हूँ खामोश हो जा, तेरा कोई डर मार रहा है क्या? डर नहीं, हाँ ऐसी एयर स्ट्राइक कर दूंगा जैसी पाकिस्तान पे करी, अभी पानी भी नहीं मांगेगी। कर दियो जो तुझे करना हो कर दियो, उसमें भस्म तू भी होगा, मैं अकेली नहीं होंगी। भस्म करूंगा ये चल ले, और फिर तेरे इस ढोलक वाले को भस्म करूंगा। इसने क्या बिगाड़ा है तेरा, ये ज्यादा मोटा हो रहा है आजकल, और तू भी मोटी हो रही है खा के। अच्छी हो रही हूँ, तेरे घर से खा रही हूँ क्या? हाँ हमारे घर से खा, और खूब होंगी, और बोल क्या करेगा, और मोटी होगी, और मोटी होंगी। कितनी मोटी होगी? बम्ब बन जाऊंगी। बम्ब? मैं तो बम्ब के ऊपर भी चुटकला सुना दूंगा। बम्ब के ऊपर सुना दे, सुना। चलिए बम्ब के ऊपर बाद में चुटकला सुना दे। हाँ हाँ अपनी खता बताई नहीं, मेरे जितनी और किसे में केवर मिले समाई नहीं। मेरे जितनी और किसे में
इधर आ, क्या इधर चल ले, और अब ध्यान से सुन, सुना पर तेरे ते ज्यादा हमारे कुल में, तेरे ते ज्यादा हमारे कुल में कोई और बन जाए नहीं। उल्टा सीधा मत बोले कुछ, बाकी तेरी कमाई नहीं। उल्टा सीधा मत बोले कुछ, बाकी तेरी कमाई नहीं। होश में तू रहे बेटा, किए का करना भरना पड़ेगा। आज तेरे पकोड़े से ना उतारे ना, हमारा नाम कौरव रही। गर्मी का मौसम है आज, अगर मैंने भी तेरा मैंगो शेक बना के ना पिया ना, तो मेरा नाम भी द्रौपदी नहीं। तब मैंगो का शेक तो बनाएगी, ऊपर तक क्या डालेगी उसमें? काजू। अच्छा काजू डालेगी। अरे तेरा नंगा नाच देख के, तेरा नंगा नाच देख के, तेरा नंगा नाच देख के, वो दुर्योधन परमाद करे। नहीं किसे में जोरी पकड़ के मैं उधर फेंक दी थी ना, लेकिन फेंकी तो नहीं, फेंकी थी नहीं, फेंकी नहीं, पटक खा के बचा ली तू, मने तू भी मने मेर कर गया। पर अब बात सुन इधर, ये जो तेरे बाजे ढोलकी वाले ये बहुत दिमागदार हैं। वो तो है ही, जिधर की हवा होती है ऐसा ही बजाते हैं। इसी बात के तो पैसे, वरना ये भी तेरे जैसे। भाई आज तो कमाल कर दिया। कमाल नहीं, कमाल कर दिया, धोती को फाड़ कर रुमाल कर दिया। अभी तेरे कुर्ते को फाड़, ऐसी पांचाली है, ठुमके ऐसे गजब के लगाती है, लेकिन बाजे वालों को तो माला माल कर दिया। लेकिन तेरा एक बाजे वाला ऐसा है, कैसा है, जिसने काणी को भी हलाल कर दिया। वो तो है, ऐसे ही तुझे हलाल करूंगा। कितना राजी हो रहा है, कितना राजी हो रहा है। तड़फा के मारूंगा तुझे, कहीं तू ही ना मर जाए अभी की अभी मेरे हाथों, भग जाए यहाँ से, जान बचानी है। नानी याद दिला दूंगा, सुन मेरी बात। हाँ। साथियों इसके डायलॉग पे हंस रहे थे, अगर मेरी बात दो लाइनों में अच्छी लगे तो दो हाथ की तालियों से आशीर्वाद मुझे भी देना। और हमारे बाबूजी श्री सुनील त्यागी जी सैतली, श्री सुनील त्यागी जी 200 रुपए का पुरस्कार दे करके मान सम्मान करते हैं, लेने तो ले ले। वो मुझसे पहले कह रहे थे ले 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 ले। वो सुन मेरी बात ध्यान से सुना, पहले एक केस और आगे इसे फाइनल कर लेंगे। हाँ इसे फाइनल कर, ये तो छोटी अदालत का केस है, इसको दे दे। मुझे देगा, इसे देगा, तुझे देगा। सियानी महमूदपुर से देवा, देवा पांचाली के प्राणों का लेवा। हाँ देवा पांचाली के प्राणों का लेवा, और अगर तू नहीं तो इनमें से कोई सी इसके हाथ लग गई तो खूब करेगा सेवा। इसलिए अब तुझे पहुंचाऊंगा जिनेवा। आजकल तू बहुत हाजिर जवाब हो रहा है।
हाँ जी, कल आजकल मेरी हाजिर जवाबी का कोई तोड़ नहीं। आज कुछ ज्यादा ही करंट में तू, अभी तो और करंट में भरूंगा। तू क्या कह रहा था, वो धुन धुन बजाई जा रही। मैं ये कह रहा हूँ तने ढोलक वाले को रोक अपने को। रुक जा भाई। आज भरी सभा में तो दो लाइन पूरी सुनना, बात अच्छी लगे तो जरूर ताली देना, क्योंकि आज इसके हालात खराब होने वाले हैं। सुन तो लिया करो। जैसे इस समय इमरान खान के हालात खराब हैं, ऐसे इसके करने वाला हूं। आज भरी सभा में होगा, मेरी आवाज ज्यादा या ढोलक बाजे की आवाज ज्यादा? आज भरी सभा में होगा तेरा नाच नंगा, मेरा लगा ठुमके पांचाली। आज भरी सभा में होगा तेरा नाच नंगा, लगा ठुमके पांचाली। ये झूम उठेगी, ये झूम उठेगी। ए दोस्तों आगे की लाइनों पे ध्यान दीजिए। ये झूम उठेगी महफिल, ऐसा होगा दंगा। कैसा बजे जम जम के ताली, बजे जम जम के ताली, बजे जम जम के ताली। बजाओ जोरदार ताली इस पंचाली के नाच। हमारे बाबूजी, बाबूजी नथू सिंह त्यागी जी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद भाई, वाह कमाल कर दिया तूने, और साथ में तेरे सारे के सारे 99 और भाई। अभी तो कमाल कर, अब तुझे हलाल भी करूंगा। दुर्योधन तो नाच नहीं लगा, क्या बात है। तुम भाइयों की ना कौरवों की बात ही नहीं आ रही है। क्या ठुमके लगा रहा था, क्या तालियां बजा रहा था। एक बार दो ठुमके और लगाना बेटा। ओए अरे छोटा देवर है, बड़ी भाभी हूँ बेटा, तो बोल ही सकती हूँ ना। बेजी बेबी, तू कोई भाभी वाभी नहीं है, भाभी तू तो एक दासी से भी छोटा। सारी बातों को छोड़, सुन भी लिया कर कुछ। बहुत अच्छे तू ठुमके लगा रहा था, बहुत अच्छी तालियां बजा रहा था। ये कराब के तुम्हारे लिए लाया हूँ बहन जी। अच्छा भैया थैंक यू सो मच, देवी शरण शरण नाम है इनका। तुम दोनों बहन भाई नाचोगे हस्तिनापुर के दरबार में। अच्छा तुम क्षत्रिय हो? हाँ हम क्षत्रिय हैं, छत्रापन का खून हमारी नाड़ियों में दौड़ रहा है। क्षत्रिय है और छत्रापन का खून नाड़ियों में दौड़ रहा है। बॉडी दिखा दे, बॉडी देख ले, बॉडी देख लो इसकी। ये क्षत्रिय है और ऐसे क्षत्रिय कि इनका छत्रापन तो खत्म हो गया, छत्री छत्री बच रही है खाली। ये ऐसे छत्रिय रह गए हैं कि अस्त्र शस्त्र तीर तलवार भाले ये सब अब इनके उठाने बस का नहीं है। अब तो खाली ठुमके लगाते हैं और तालियां बजाते हैं। हिजड़े हो तुम, हिजड़े छत्रिय वत्रिय नहीं हो। क्या कह रही है? हिजड़े हो तुम। क्यों भाई एक बात बता, तुझे शर्म नहीं लगी? ये हमें हिजड़ा बता रही है और तुम इसके लिए ताली बजा रहे हो और हंस रहे हो। इसके ग्रुप में हो क्या? और इसने तो वैसे ही हवा में तीर छोड़ दिया, जवाब देने में पीछे नहीं हटूंगा। क्या कह रही थी? और क्या, छत्रापन छत्रियता दिखाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब तो हिजड़े वाले काम कर रहे हो तुम। चुप रहे, दे दे 11 से वो कर रहे हो तुम। सुनो भाई, अगर जवाब टू द पॉइंट ठोक के दूं पवन जी तो समर्थन करना, और अगर गलत जवाब दूं तो मत करना। अच्छा अगर रामायण पढ़ते हो तो बताओ, सच बताना, राजा दशरथ के कितनी बहू थी? तीन, पांच नहीं तीन। अगर आपने गोपीचंद मैनावंती का किस्सा सुना हो और तेने भी सुना हो तो बताओ, राजा गोपीचंद के कितनी बहू थी? 16 थी। आजकल भी आप देखते होंगे कई ऐसे भाई भी सियानी में होंगे जिनको एक एक को पंडित जी दो दो है। क्यों जी होंगे? एकाध तो
तुम्हारे भतीजे कहीं दो हैं? अरे क्यों रोटी नुखड़वाओ? हाँ हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारे भतीजे के तो दो नहीं है, पर मेरे ये बाजे ढोलकी वाले हैं ना, इनके काई के दो, काई के तीन। हाँ जी, मेरा कहने का मतलब यह है, ध्यान से सुनो, राजा दशरथ को 3, गोपी चंद को 16, ये हमारे साउंड वाला अमित, इसको भी 2 लुगाई है। साथियों, तुमने ये तो सुना होगा, पढ़ा होगा, लिखा हो या देखा होगा, अक एक मर्द को कई औरत हो सकती है, पर तुमने ये नहीं सुना होगा, अक औरत एक और खसम 5-5 ले रही हो, 5-5। ये दुनिया के 7 अजूबे तो सुने थे, ये 8वां अजूबा है। सही कह रहा है तू। चल मेरे तो 5-5 हैं, कोई बात नहीं, क्यों लेकिन नहीं है? बात है, बात क्यों नहीं है? हाँ बात है, पर तू ये बता, तुझे कसम है हनुमान जी महाराज की, अगर आज तूने झूठ बोला ना तो सोच लेना तेरे साथ क्या होगा। झूठ नहीं बोलूंगा। तू आज इन सब के सामने सच सच बता दे कि तेरे कितनी है। झूठ नहीं, सच सच। क्यों भाई, तुम क्यों हंस रहे हो भैया? केवल सच, मतलब मैं सच बताऊं? सच बता दे। तुम्हारा आज तो कह ही दे, क्या छुपा रहा है, क्या छुपाना, अपने ये सब बता दे। इनके बहम पैदा करते जैसे राम रहीम का छोटा भाई मैं ही हूं, बहम पैदा कर दे इनके। सुन, हाँ, मेरे एक घरवाली थी भाई, पंडित जी ईमानदारी ते ही बता रहा हूं, ईमान धर्म ते बता रहा हूं, मेरे एक घरवाली थी। मोनिका मैडम फोन बंद कर, खैर बंद तो नहीं होगा, मैं 5 बजे कह लिया, लेकिन मेरे एक घरवाली थी, वही एक है, और दुनिया तो चाहे कितनी गड़बड़ करे भाई, ईमानदारी तो वही रहेगी एक। भाई वाह, झूठे बहुत, पर तू सबका गुरु है। चल छोड़, यकीन कर रही हूँ तेरी बात का, मान ले तेरे एक ही घरवाली है, एक ही मान ले, क्या है ही एक, एक है इसके, एक घरवाली है। हाँ एक, एक है, जब ये टिका पड़ा है बिल्कुल। तू मेरी हिम्मत तो देख, जो 5ों को झेल दी और बेटा फिर तुझसे टक्कर ले रही हूँ। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तू कर ले 5। क्यों हंस रहे हो भाई? ये झूठ बोल रही है, मरेगी बचेगी नहीं। चल चल बोल, पिट जाएगा वरना तेरा थोबड़ा सजा दूंगी मैं। लुचुर पुचुर सा हो रहा है, क्यों तेरी एक आध हड्डी टूट जाएगी, रहने दे। मैंने कही थी ना एक, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे मत बढ़े, तू इतना ही रहे। नंगा नाच नचावेंगे, तुम कौन नचाने वाले हो जब खुद भगवान बचावेंगे, कौन नचाने वाले हो जब खुद भगवान बचावेंगे। आज सभा में नंगी करके, हाँ भाई बॉबी बिजली वाले, हेलो बॉबी, आपका ही नाम है? अच्छा बिजली वाले इधर तो आ। बिजली वाले एक तो डिफाल्टर होते हैं, वो भी बिजली वाले ही होते हैं, लाइन मारते हैं जो एलएम। हाँ एलएम का मतलब भी लाइन में नहीं होता, शॉर्टकट में। भाई साहब शॉर्टकट में ही देखो पंडित जी, पहले 5-5, 6-6 अक्षरों के नाम होते थे, रामचंद्र, फकीर चंद्र, अमीर चंद्र, फिर 5 पे 4 के हो गए,
4:30 के नरदेव सुखदेव बलदेव गजेंद्र सतपाल, फिर 4:00 पे 3 के हो गए सुरेश पवन गगन चमन मनोज, फिर 3:00 पे 2 के हो गए टिंकू मोनी टीना मीना पीना जीना हीना चिंकी मिंकी पिंकी। और याद रखियो रे सियानी के लोगों, 2-3 साल बाद एक ही अक्षर का नाम रह जाएगा। अगर आपका नाम पवन है तो लोग पै कया करेंगे, समझना है तो समझ लेना, तो जा अपने घर के, शॉर्टकट जमाना हो जाएगा। तो ले ये लाइन मैन के हैं बबलू के, बॉबी के, बबलू बॉबी पे ना ऐसा करंट लगवाऊंगी तुझमें, चला जा अपने घर। बॉबी में जब करंट होगा जब ही तो लगावेगा करंट, बॉबी में नहीं उसके तार है। कौरव खुशी मनावेंगे, वो सृष्टि से वो सृष्टि के रचने वाले जन क्या क्या खेल खिलावेंगे, वो सृष्टि के रचने वाले जन क्या क्या खेल खिलावेंगे, तेरे जैसे मुजरिम पे तेरे जैसे मुजरिम पे तेरे जैसे मुजरिम पे पता कैसे दया जलता देख रहे तुम कौन दया करने वाले ऐसे लड़े हैं जैसे वीरवाणियां आपस में लड़िया करती हैं। अपनी नहीं कह रहा, तू भाभी के साथ ऐसे लड़ रहा है जैसे वीरवाणियां आपस में लड़ती हैं। तेरी माँ ने कुछ सिखाया तुझे? सिखाया है। तेरे बाप ने कुछ सिखाया तुझे? सिखाया है। तेरा कोई गुरु है? है। आज सच बता इन सबके सामने, कौन है तेरा गुरु? तुझे मैं बताना उचित नहीं समझती, नहीं बता रही, पूछ ले। क्योंकि बताने लायक ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा बताने लायक? नाम बता तू अपने गुरु का। नहीं बताती। मत बतावे। ना बता रही। मैंने अंदाजा लगा लिया। क्या? ताली बजा देना बात अच्छी लगे तो। देवर जेठ गलिया ऐसे लड़ रही है बहुत भयंकर तरीके से। साथियों ये किसी बढ़िया गुरु की चेली नहीं हो सकती। अरे ये तो किसी राधे माँ जैसी की चेली है, राधे माँ जैसी की। तो लठ बज रहा है तो मैं अपनी लगी। तेरा तेरे माँ बापों ने तुझे कुछ सिखाया है? बहुत कुछ तालीम दी है मुझे, संस्कार दिए हैं। संस्कार फूट फूट के दिख रहे हैं। भाभी के साथ ऐसे लड़ रहा है जैसे पता नहीं किसके। भाभी नहीं है तू मेरी नजर में? मेरी नजर में तू देवर नहीं है। कोई बात नहीं। और ये बता कि तेरा भी कोई गुरु है कि नहीं है? है, है, है। कौन है? है मेरा गुरु। कौन है? है। कौन है? हाँ गुरु है। है। हाँ कौन है? हाँ है ना गुरु। हाँ हाँ कौन है ना गुरु? नहीं बताऊंगा। नहीं मत बतावे। क्यों? मुझे पता है, मैंने अंदाजा लगा लिया। क्या अंदाजा लगाया है? कि तू किसी बढ़िया गुरु का चेला नहीं हो सकता, तू भी राम रहीम और आसाराम जैसों का ही चेला हो सकता है। भाई पैसा ला जल्दी। भाई कमाल। हाँ देवा देवा प्राणन के लेवा आगो फोन फोरम में। और
सुन, इतना खर्चा तो ही देवा जब खारो, जब गरीब आदमी है, अमीर होता तो पता ना क्या करता। बिल्कुल रुख दूसरा, रुख दूसरा लगी जमावन, रुख दूसरा लगी जमावन, पहला बोया काट्या ना। साफ कहण में, साफ कहण में, ओ देवर दिल जा मेरे थूक के चाचा ना। ईश्वर की माया का हो देवर, भेद किसे न काटा ना। ईश्वर की माया का हो देवर, भेद किसे न काटा ना। तेरा पहला करया हुया भर ले, वो पहला करया हुया भर ले, मत द्रौपद नहीं अनाद करे। गुरु मान सिंह के भजनों